सुविधाओं में भी अंतर बताइए और लोगों के नजरिए क्या अंतर आया। आपसे सर एक अपना परिचय देना चाहती हूँ सर। जय हिंद सर। मैं स्वाति दीप तिर्की, महिला प्रधान अर्चक 371। मैं ध्रुवक फाइटर की एक सदस्य हूँ। श्रीमान जी, हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय की अगुवाई में और समस्त पुलिस अधिकारी के सहयोग से ये हमारा ध्रुवक फाइटर का गठन किया गया था और ये गठन हमारा 22 अगस्त 2021 को किया गया था। ये गठन करने का उद्देश्य था सर कि लैंगिक समानता को हम महिलाएं अपने डीआरसी भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम आगे बढ़े, अति संवेदनशील तक पहुंचे और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सर महिलाएं पुलिस कर्मचारियों को या डीआरसी भाइयों को देख के डरती हैं, तो हम महिलाओं के कारण से वो हमारे सामने आती है, अपनी समस्या बताती है सर और हम लोग अपनी उससे मुलाकात करती है, शासन प्रशासन की योजनाओं से उनको अवगत कराते हैं सर। संवेदन क्षेत्रशील कारण होने के कारण सर उनको आपके शासन प्रशासन की योजनाओं से अभी तक अनभिज्ञ है सर, तो उसको हम उनके तक हम योजनाओं से अवगत कराते हैं सर। अभी तक हम 4 नवीन कैंप का स्थापना किए हैं सर, उसमें से सबसे ज्यादा एलमागुंडा में हमको परेशानी हुई सर, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज की सुविधा नहीं थी सर, तो हम सड़क की बनाते हुए आगे बढ़े। अभी लाइट की सुविधा होगी सर, पानी की सुविधा होगी सर, तो इसके लिए हम अपने आप को सर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं सर कि हम अभी तक मैं भर्ती हुई हूँ सर, तब से मैं ऑफिस वर्क में काम करती थी और अभी हम जब से दुर्गा फाइटर का गठन हुआ है सर तब हम फील्ड वर्क में जा रहे हैं, तो हम अंदर के महिलाओं से पुरुषों से बच्चों से हम अवगत हो रहे हैं सर कि वहाँ की